नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आपको पता है, यूपी लेखपाल वैकेंसी को लेकर आपके कोर्ट में काफी दिनों से केस चल रहा है। उसी की श्रृंखला में जो आपकी आज की सुनवाई 6 फरवरी की सुनवाई का जो कोर्ट केस का जो लाइव अपडेट है वो आप इस वीडियो में देखोगे कि आखिरकार जो अब कोर्ट में क्या चल रहा है, किसके पक्ष में जो निर्णय है वो आने की संभावना है, क्या बच्चों के पक्ष में निर्णय आएगा या फिर से यूपी SSSC आयोग की जीत होगी, या फिर जो कोर्ट है वो आपके अंतिम निर्णय ना देकर कोई अलग सुनवाई की नई डेट देगा, वो सब आप इस वीडियो में जान पाओगे जो कि कोर्ट का आपके लाइव अपडेट होगा। और जो कॉमन अंक की बात जो प्रत्येक टीचर के मुंह से आप सुन रहे होंगे, अभी तक बहुत सारे टीचर्स ने आपको बहुत सारे प्रश्नों पर कॉमन अंक दे दिए होंगे, लेकिन रियलिटी क्या है वो आप इस वीडियो में जानोगे। इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे जो भी अपडेट आए और विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं, जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है, वो समय समय पर आपको मिलती रहे। यहां पर आप देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, आज 6 फरवरी को आपकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो रिटों को लेकर थी। और दो रिटों में भी जो महत्वपूर्ण जो आपका उज्ज्वला वाला जो प्रश्न था, जो आपका उज्ज्वला वाला प्रश्न था और एक जो पुरा वाला प्रश्न है, इन दो क्वेश्चनों को लेकर जो अपडेट अभी तक आया है कि इन दो प्रश्नों पर आपको कॉमन अंक मिल सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स के द्वारा भी आपको यह अपडेट मिला होगा, क्योंकि जो आपके जसप्रीत सिंह हैं, जो आपकी आज की सुनवाई करवा रहे हैं जसप्रीत सिंह, उन्होंने एक टेलीग्राम ग्रुप है उनका, उनमें उनके एक मैसेज के आधार पर ऐसा पता चल रहा है कि इन दो क्वेश्चनों का जो आपका निर्णय है वो बच्चों के पक्ष में जा सकता है। अगर बच्चों के पक्ष में यह निर्णय गया तो सभी को दो दो कॉमन अंक मिल सकते हैं, लेकिन यह रियलिटी तब तक साबित नहीं हो सकती क्योंकि अभी संभावना है, अभी लीगल स्टेटस नहीं आया है। यह कोर्ट की तरफ से स्टेटस जब अपलोड हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार जो लीगल स्टेटस है वो क्या है। यह जो टेलीग्राम ग्रुप पर जो मैसेजेस हैं उनके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है। तो दो जो प्रश्न है, एक उज्ज्वला वाला और एक पुरा वाला, उन दो प्रश्नों पर आपको कॉमन अंक मिल सकते हैं या फिर उनका जो निर्णय है वो बच्चों के पक्ष में जाएगा। अभी तक कोई भी स्टेटस जारी नहीं हुआ है, क्योंकि जो आपकी सुनवाई है वो निरंतर चल रही है, क्योंकि अभी सुनवाई समाप्त नहीं हुई है। जैसे ही सुनवाई समाप्त होती है, जैसे ही कोई अपडेट आता है, सुनवाई समाप्त होने के बाद जो भी आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई भी निर्णय यूपी लेखपाल वैकेंसी से रिलेटेड आएगा, उस निर्णय के साथ, उस लीगल स्टेटस के साथ जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर हाईकोर्ट के द्वारा अपलोड किया जाएगा यूपी लेखपाल वैकेंसी के रिगार्डिंग, उस अपडेट के साथ AKGS रिसर्च सेंटर सबसे पहले आपके सामने उपस्थित होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वह लीगल स्टेटस, जो लीगल इंफॉर्मेशन, जो लीगल अपडेट होगा वो आपको पता चल सके, और पता चल सके कि यह कॉमन अंक क्या किसी को मिलेंगे या फिर ये वैसे ही अफवाहें उड़ाई जा रही है। अभी किसी पर भरोसा मत करिए, जिन्होंने आपको निर्णय सुना दिया है उनकी, आपके उनके जो अनुभव है उनके बकाए में नहीं आना है, क्योंकि अभी सुनवाई चल रही है, अभी सुनवाई समाप्त नहीं हुई है। जैसे ही सुनवाई समाप्त होती है तब कोई निर्णय निकल के आएगा, अभी तक कोई भी निर्णय निकल कर नहीं आया है। कार्रवाई चल रही है, बहुत अच्छी बात है, कोई अंतिम निर्णय आ जाए तो यह बहुत अच्छी खबर होगी, लेकिन उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि आज आपका कोई ना कोई अंतिम निर्णय आएगा, लेकिन अगर अगली डेट हुई तो यह भर्ती बहुत ज्यादा लंबी खिंचने वाली है। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। तो दोस्तों, यह आपका अभी लाइव अपडेट था कि दो प्रश्नों को लेकर आपकी चर्चा चल रही है कि शायद बच्चों के पक्ष में आपका फैसला आ सकता है, और आपका जो लीगल अपडेट सुनवाई समाप्त होने के बाद जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा उसके आधार पर पता चल जाएगा। तो जैसे ही सुनवाई समाप्त होती है उस अपडेट के साथ AKGS रिसर्च सेंटर सबसे पहले आपके सामने उपस्थित होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।